हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये हमारा पहला ब्लॉग होने वाला है। हमारा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए हम अपने चैनल पर वीडियो नहीं ला पा रहे थे। तो आज से हमारे चैनल पर डेली ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो गाइस, अभी हमारे घर पे काम चल रहा है। देखिए, हमारे घर पे बहुत सारे अभी काम बाकी रह गए हैं। हमारे भैया की शादी है, तो अभी हमारे घर पे पेंटिंग हो रहे हैं, तो बहुत सारे सामान अभी इधर उधर फैलाए हुए हैं। तो यार, इग्नोर कीजिएगा, अभी हमारा सामान इधर उधर है और कुछ दिन में हमारे यहाँ पे सब सही हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो अभी चलते हैं हम अपने नए वाले घर पे और आप लोगों को अपना नया वाला घर दिखाते हैं। गाइस, ये है अपना नया वाला घर, तो चलिए हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। तो गाइस, ये देखिए काम चल रहा है यहाँ पे, यहाँ आगे देखिए ये सब अभी काम चल ही रहे हैं, और तो अंदर भी अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं। अभी यहाँ पे लाइटिंग होना बाकी है, अभी लाइट नहीं लगाया है, तो यहाँ देखिए ये सब अभी बाकी है। तो अभी लाइट लगा नहीं है, कुछ दिन में भैया आएंगे और लाइट लग जाएगा। ये हमारा किचन है, ये हमारा यहाँ पे हमारा सेपरेट बाथरूम रहेगा और नहाने का स्थान है। यहाँ पे अभी अंधेरा है और यहाँ बहुत सारे अभी काम चल रहे हैं। चलिए अभी चलते हैं छत पे। तो ये देखिए अभी छत हमारा जीना लगा नहीं है, तो जीना भी बहुत जल्दी लग जाएगा। तो ये देखिए हम आ चुके हैं अपने छत पे। तो यहाँ से व्यू देखिए, यहाँ से देखिए हमारा गांव है और यहीं पे हम रहते हैं। और यहाँ पे हमारे देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है इस समय, यहाँ से सूर्य भगवान का उदय होता है। और अभी हम चलने वाले लेने चल रहे हैं गैस, क्योंकि अगले ही मंथ में शादी है तो हमें गैस का आवश्यकता है। तो गैस अभी हम लेकर आएंगे और फिर हमें अभी चार गैस लेने हैं, तो अभी दो गैस अभी ले लेंगे और दो बाद में ले लेंगे। अभी हम बहुत देर से काम कर रहे थे, तो अभी हमारा काम शुरू है। ये हमारी मम्मी है। तो आज आप खाने में क्या बना रही है मम्मी? खाने में क्या बनाओ तू? सब्जी भात रोटी। तो मम्मी आज खाने में सब्जी भात रोटी बना रही है। तो गाइस, अभी हम मस्त सब्जी चावल ले चुके हैं और ये रहा हमारा सब्जी और चावल। तो अभी हम इसको खाने वाले हैं और फिर चलने वाले हैं हम अपना इंजेक्शन लगवाने, क्योंकि हमें फीवर था बहुत दिनों से, तो हम इंजेक्शन भी लगवाएंगे। तो चलिए हम खा के फिर चलते हैं इंजेक्शन लगवाने। हेलो गाइस, अभी हम आए हैं गैस लेकर के, लेकिन यहाँ पे आने के बाद देखिए कितना ज्यादा खराब मौसम हो गया। यहाँ पे बारिश का मौसम हो चुका है, कितना ज्यादा, पहले धूप था और अब देखिए क्या हो चुका है, यहाँ पूरा पूरा बारिश का माहौल बन गया है। और बहुत ही ठंड हवा आ रही है, जैसे कि कहीं पे बारिश हो रहा हो, तो बहुत ही ज्यादा ठंड हवा आ रही है। और मैं बाल कटाने के लिए जा रहा था लेकिन नहीं जा पाया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंड हवा आ रही है और थोड़ा ठंड लग रहा है। तो मैं सोचा कल कटा लूंगा। और हमारे घर के जस्ट पीछे ही स्कूल है और बहुत ही ज्यादा हवा खराब चल रही है। तो अभी हम चलते हैं अपने पुराने वाले घर पे। तो गाइस, अभी हम पुराने वाले घर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सोते होते हैं, यहीं पे हम सोते हैं, ये मेरा कमरा है। और थोड़ा काफी आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे अब शादी होने के बाद यहाँ पे भैया रहेंगे और भाभी रहेंगी, तो हम नए वाले घर पे शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हैं। तो शादी के बाद भैया भाभी यहाँ रहेंगी, तो हम सोच रहे हैं कि नए वाले घर पे हम अकेले रहे हैं। तो हमें ये अभी हम नया आवाज चलाए थे, बोर्ड पेपर चल रहा था तो हम नया आवाज चलाए थे, तो वो मुझे चेंज करना मतलब दिखाना था। एक साल का वारंटी है, बट इसमें इसमें जो है अपने आप ही टाइम खराब हो जा रहा है। टाइम सही करने के बाद टाइम गलत हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, टाइम और डेट अपने आप ही चेंज हो जा रहा है। तो दिखाएंगे हम, एक साल की वारंटी है, तो इसलिए हम सोच रहे थे आज बस्ती जाने के लिए। तो अभी मौसम बहुत ज्यादा खराब है, तो बस्ती जाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगर हम भीग गए तो हमारा तबीयत फिर से खराब हो जाएगा। एक हफ्ते से तो पहले खराब था और बीच में तो एक अभी 2 महीने पहले ऑपरेशन करा लिया था, इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। ब्लॉग का वीडियो बना रहे थे तो वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो अब से डेली ब्लॉग आएगा।